हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं किस तरह की एडिटिंग करने वाला हूँ ये आपको पता चल ही गया होगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आज मैं स्नैपसीड के अंदर उसके कर्व टूल के मदद से किसी भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को कलरफुल पिक्चर में बदलने वाला हूँ। तो अगर आज आप ये सच में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। हे हाय, तो मैंने अपने पिक्चर को स्नैपसीड पे ऐड कर लिया। अब हम सबसे पहले चलेंगे पेन टूल पे, अब हम चलेंगे कर्व टूल पे, उसके बाद हम यहाँ से कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले वाइट कलर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम शैडो कहते हैं, ये मिड पॉइंट है बीच वाला, और ये ऊपर वाला हाईलाइट है। तो हम इसी तीनों को एडजस्ट करके अपने पिक्चर पे जो कलर मुझे चाहिए वो कलर हम ला सकते हैं। तो चलिए एडिटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वाइट के कलर पे शैडो को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मिड पॉइंट मैंने यहाँ कम किया है, हाईलाइट को भी मैंने थोड़ा सा कम किया। चलते हैं रेड कलर पे, यहाँ रेड कलर के शैडो को मैंने थोड़ा सा, आपको देखना है कि किस जगह पे आप अपने कर्व टूल को ले जाते हो तो आपका जो कलर, जो आपको कलर चाहिए जैसा भी वो आए। तो मैं रेड को मैंने यहाँ पे ऊपर किया तो मुझे लगा हल्का सा कि स्किन की टेक्चर आ रहा है, इसलिए मैंने इसे ऊपर किया। तो मैं चलता हूँ ग्रीन पे, तो ग्रीन को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो हाँ लग रहा है कि थोड़ा सा स्किन का टेक्चर आ रहा है। तो मैंने इसे ऊपर ही रखा है, शैडो को थोड़ा सा कम करते हैं शैडो को। यहाँ पे मिड पॉइंट को मैंने बढ़ा के रखा है, हाईलाइट एडजस्ट करते हैं। तो आपको ये छेड़ते हुए देखना है, मल्टीपल डॉट्स बनाने हैं हर जगह आपको, आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखना है कि कहाँ पे ये अच्छे से बैठ रहा है, जहाँ पे आपका पिक्चर का जो टेक्चर आप देना चाहते हो वो आ जाए। यहाँ ब्लू कलर के मैंने शैडो और मिड पॉइंट दोनों को कम किया है, हाईलाइट को वैसे ही, हाईलाइट को मैंने थोड़ा सा कम किया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छे से करके ऊपर नीचे करके देख लेना है कि कहाँ पे आपका जो टेक्सचर है वो मिल रहा है आपको। अब हम चल रहे हैं यहाँ पे ल्यूमिनस पे, ल्यूमिनस के सेचुरेशन मतलब शैडो को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घटाया है, मिड पॉइंट को भी मैंने थोड़ा सा घटाया, हाईलाइट में इसमें थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं। अब हम देखेंगे अपने टेक्सचर को कि ये उस कलर पे आ रहा है कि नहीं। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर पूरा पेंट कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे पहले ओके करेंगे, चलेंगे कर्व टूल पे और ये बगल में सेटिंग वाला जो टूल है उस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे जहाँ मुझे एडजस्ट करना लगता है कि मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ल्यूमिनस को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इतना पे ठीक है ये। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो हमारा स्किन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी हद तक अब मैच कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसमें। तो यहाँ से हमारा डन हो गया है, अब हमारा स्किन का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। वो हम जहाँ जहाँ बचा हुआ है उसे वहाँ पे पेंट कर लेते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है जैसे मेरे सिर के पास, मॉडल के सिर के पास जो है उसे हम थोड़ा सा ओपेसिटी जो है उसे कम करके पेंट करेंगे ताकि रियलिस्टिक लगे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे ओपेसिटी को कम कर दे रहा हूँ और ऊपर के जो सिर है, फॉरहेड है जो मॉडल का, उस पर मैं पेंट कर ले रहा हूँ।
तो यहाँ पे जो आईब्रोज है मॉडल की, मैं उसे थोड़ा सा ऑपेसिटी पहले मैंने कम किया है, उसके बाद उसे पेंट कर रहा हूँ ताकि ये रिलास्टिक लगे, आईब्रोज भी पूरा स्किन का कलर में ही नहीं आ जाए, इसलिए मैंने इसे फिर से रिटच किया है। मैं इसे मॉडल के आंखों पे भी थोड़ा सा कर चला ले रहा हूँ ताकि जो उसका ओरिजिनल टेक्सचर है वो वापस आ जाए। तो इतना डन हो गया है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसे ओके करेंगे, चलेंगे बैक, फिर से चलेंगे पेन टूल पे, जाएंगे कर्व टूल पे। अब हम इसके जो लिप्स है उसके कलर को पिंक या रेड करेंगे, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना होगा कर्व टूल में। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले वाइट कलर को लेते हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट करके आप अपने पिक्चर के किसी भी पार्ट को कलरफुल बना सकते हो। मैं वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ये हो गया है डन। अब आप चाहें तो कर्व टूल के एडजस्टमेंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर से मैं चलता हूँ व्यू एडिट ब्रश पे और इसके लिप्स को मैं पेंट करूँगा। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप पेंट करते वक्त आपको आप गलती से अगर किसी गलत जगह पे पेंट कर देते हो तो आप नीचे से ऑपेसिटी को कम कर लो और फिर उसके बाद दोबारा उस जगह पे पेंट कर दो, वो जगह रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया है डन, यहाँ से हम ओके कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं, उसके बाद पेंट टूल पे, कर्व टूल पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो हेयर्स हैं उसके जो कलर हैं वो उस पर हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इसका जो हेयर कलर है हमें ब्लैक ही रखना है, फिर भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगे। ऐसे थोड़ा सा वो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक एंड वाइट लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा हेयर पे भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम हेयर के कुछ पार्ट जो यहाँ पे वाइट नज़र आ रहे हैं उस पर हम गोल्डन कलर करेंगे। तो गोल्डन कलर क्या करेंगे, जो हमने फेस पे अप्लाई किया है उसी कलर को ऑपेसिटी कम करेंगे और फिर उस पर अप्लाई कर देंगे। देखिए मैं अभी करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं हेयर के ब्लैक पार्ट को रिटच कर लेता हूँ इससे। अब देख सकते हैं मैं हर कलर को एडजस्ट कर ले रहा हूँ एक बार। अब चलेंगे हम व्यू एडिट पे, कर्व टूल, उसके बाद पेंट। अब मैं इसे धीरे धीरे पेंट कर लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों ये हो गया है डन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्किन कलर का जो हमने कर्व टूल बनाया था उसके ओपन किया है मैंने, यहाँ पे मैंने ऑपेसिटी कम कर दिया है और अब इसके हेयर्स के कुछ एरिया पे हम उससे पेंट कर देंगे ताकि इसका जो हेयर है वो लगे गोल्डन जैसा। तो देखिए मैंने ऑपेसिटी को 50 ही रखा है, मैं जल्दी जल्दी पेंट कर ले रहा हूँ। तो ये ओके हो गया है दोस्तों, यहाँ से हम करेंगे ओके। और सेव करने से पहले सबसे ऊपर वाले कर्व टूल पे हमें क्लिक करना है, तब सेव करना है, वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारा जितना भी सेटिंग्स है वो हमारे पिक्चर पे अप्लाई नहीं होगा। फिर से हम चल रहे हैं कर्व टूल पे। अब मैं इसके जो आईज है उसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, उसका सेटिंग्स आप देख लें यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने वाइट के मिड पॉइंट को बढ़ाया है, हाईलाइट को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ,
शैडो को थोड़ा सा कम किया है, आप सिंपली इसे व्यू एडिट पे जाके कर्व टूल ब्रश टूल पे जाके इसे सिंपली आईज़ के जो भी वाइट पार्ट है उस पर हम यहाँ पे हल्का हल्का पेंट कर लेंगे, ताकि हमारा जो आईज़ है वो रिटच हो जाए, ब्लैक एंड वाइट नहीं लगे। दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थोड़ा सा एडजस्टमेंट और बाकी रह गया है, जो लिप्स है उस पर थोड़ा सा जो हमारा कलर है वो बाहर की तरफ आ गया है, तो मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।